महाशिवरात्रि की सब देशवासियों को जेके मीडिया की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस समय हम खड़े हैं प्रसिद्ध स्थान बाबा दंसर में और हम आपको बता दें शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर यात्रियों का श्रद्धालुओं का शिवरात्रि वाले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ काफी संख्या में यहाँ बढ़ोतरी हुई है। और हम आपको बता दें बाबा दंसर जी मंदिर ठीक हमारे कैमरा पर है, बाबा दंसर जी का मंदिर देख रहे हैं और इस साइड जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, श्रद्धालुओं की जो कतारें हैं वो देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी कतारें यहाँ पर बाबा दंसर की जो बाबा शिव भोले के दर्शनों के लिए लगे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा और कब हम बाबा भोले के दर्शनों के लिए जो पिंडी स्वरूप बना है उसके दर्शनों के लिए कब हमारी बारी आएगी। अगर हम बात करें बाबा दंसर की तो कटरा से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये बाबा दंसर जी का तीर्थ स्थान है और हर शिवरात्रि के अवसर पर भी और यहाँ पर लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं बाबा भोले की पिंडी स्वरूप में नमस्तक होने जरूर आते हैं और ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से बाबा भोले से जो भी मांगा जाए वो बाबा बोले देते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ठीक यही वो रास्ता है यहाँ पर बाबा बोले की जो गुफा है यहाँ पर जो बाबा बोले जी की गुफा है यहाँ पर स्थापित है। तुंडी स्वरूप में बाबा बोले जी यहाँ पर विराजमान है और हम आपको दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो बाबा बोले जी जो तुंडी रूप में यहाँ पर विराजमान है आप कतारें ठीक देख सकते हैं यहाँ पर लंबी लंबी कतारें बोले बाबा के दर्शनों के लिए लगी है और हम आपको बता दें सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आएगी और कब हम बोले बाबा के चरणों में नमस्तक होंगे। हम आपको बता दें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु है यहाँ से झुक के जाते हुए काफी छोटी गुफा है लेकिन काफी मान्यता है इसकी और हम आपको बता दें यहाँ पर बाबा बोले की पिंडी स्वरूप यहाँ पर और बाबा बोले ने प्रकट होकर यहाँ पर भक्तों को दर्शन दिए थे। और शिवरात्रि की बात करें तो अगर हम शिवरात्रि की बात करें तो शिवरात्रि पर यह मंदिर पूरा सजाया गया होता है। यहाँ पर एक लोकल ट्रस्ट भी है जिनों के द्वारा यह पूरी मंदिर की जब पूरे जो जितना भी यहाँ पर मंदिर है इसकी रेख देख की जाती है और हर शिवरात्रि पर लाखों के संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जब मत्था टेकने यहाँ पर आते हैं और देखे किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करते हुए और हमारे साथ यहाँ के लोकल जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका और बताएं कि हर साल यहाँ पर श्यामलाल बावदा से ट्रस्ट का चेयरमैन। अच्छा तो यहाँ पर हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद श्रद्धालु हर साल यहाँ पर दंसर में मेला होता है। क्या कहेंगे मेला होता है लगिया सेवा में जितना भी अरेंजमेंट है ट्रस्ट का ये सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या मदद रहती है। हाँ यहाँ बैठे हैं वो भी आए हैं ऐसा जो साहब सुबह से लगे हुए हैं बेचारे। अच्छा रश बहुत है। अच्छा अगर ये तो 10-20 आदमी का काम तो यानी कंट्रोल करना सब मिलजुल के कर रहे हैं ठीक है ना। बाकी जो हमारा बाबा दंसर ट्रस्ट है तारुआ मैं चेयरमैन हूँ श्यामलाल। ये बाबा दंसर ट्रस्ट के चेयरमैन है श्यामलाल जी जो उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन से भरपूर सहयोग इनको मिलता है और ये सिर्फ बाबा बोले की सेवा कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रस्ट जो बनाया गया है और ये सिर्फ बाबा बोले की जो है सिर्फ सेवा कर रहे हैं। आप ठीक यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से बाबा बोले के दर्शनों के लिए श्रद्धालु की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है। और आप ठीक कैमरे के विजुअल में आप बाबा दंसर जी के दर्शन कर रहे हैं आप दर्शन करवाए जी बाबा दंसर जी जी शिव जी की इंडिया उनके साथ पार्वती जी है दोनों ऊपर से वाटर पानी गिर रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप। और ये आप ठीक जेके मीडिया के माध्यम से यहाँ पर बाबा शिव जी के दर्शन कर रहे हैं ठीक आप हमारे कैमरे पर ये जो किश्ती आप देख सकते हैं जिस पर बाबा बोले का शिवलिंग विराजमान है और हम आपको बता दें ये बड़ा बहुत ही पुराना एक झरना है यहाँ पर जो ये आप यहाँ पे किश्ती यहाँ पर बाबा बोले जी की
जो शिवलिंग विराजमान है और काफी मान्यता है इस मंदिर की, और हम भी आपको कहेंगे जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बाबा दंसर में जरूर आए। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के भी जवान यहाँ पर मौजूद है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर आपको देखने के मिलेंगे, चाहे यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस हो, जेंट्स पुलिस हो, चाहे लेडीज पुलिस हो, यहाँ पर आपको पुख्ता इंतजाम देखने को मिलेंगे। हम आपको एक बार फिर बाबा दंसर जी के दर्शन आपको पिंडी सरूप में, जो बाबा दंसर जी है जिनका जो असल में जो मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है, उनके दर्शन हम आपको करवाएंगे अपने जेके मीडिया के माध्यम से। और हम आपको बता दें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बाबा भोले की जो प्रतिमा और माँ पार्वती और आप देख किस तरीके से यहाँ पर सजाई गई है। और हम आपको बता दें हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के पंडित जी। पंडित जी क्या इतिहास है बाबा दंसर जी? सच्चे दरबार की जय। बोलिए सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। राहुल जी खड़े हो जाओ थोड़ी, सामने दर्शन करने हैं। जैसा कि दंसर बाबा जी के दर्शन आप सब जानते हैं, बड़ी पिंडी के रूम में दंसर बाबा जी के दर्शन है, उनके साथ जो छोटी पिंडी है वो महाकाली जी बोड़ी माता जी की अवतार है। ये नागों का स्थान है, धनसर बाबा जी नाग देवता हैं और वासुकी श्री वासुकी शेषनाग जी के वंश से हैं। और यहाँ पे हर साल शिवरात्रि के दिन पे इसी प्रकार से सजावट, दंसर में जरूर आए और बाबा दंसर में आकर मथा टेके और बाबा भोले का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप देखते रहे जेके मीडिया में, आशीष शर्मा बाबा दंसर से।